वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज। आज मैं आपके साथ चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूँ। चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून विनेगर। स्वाद अनुसार हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। इसके बाद हम इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर लॉलीपॉप का मसाला ऐड करेंगे। आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे तकरीबन 2 चम्मच। फिर इसके बाद हम इसके अंदर 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर एक अंडा ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपका बैटर अगर बहुत ज्यादा लूज हो चुका है तो आप और भी कॉर्नफ्लोर या मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये मुझे थोड़ा सा लूज लग रहा है, इसलिए मैं इसके अंदर 1 चम्मच और कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। आप इसके अंदर फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए अब हम इसे 15 मिनट से आधे घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट होने देंगे। इसके बाद हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। चलिए दोस्तों, चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे और ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे, फिर इसको हम बाहर निकाल लेंगे। चलिए 3 मिनट हो चुका है, ये हाफ फ्राई हो चुका है, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से हम दूसरे भी फ्राई कर लेंगे, इसे निकाल लेंगे। चलिए अब गैस की फ्लेम को हम कर देंगे स्लो और फिर से जो हमने हाफ फ्राई किया था हम इसे एक और बार फ्राई करेंगे, जिससे बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। स्लो फ्लेम के लिए और पकने देंगे। सारे लॉलीपॉप को हमने फ्राई करके निकाल लिया है। अब एक पैन लेंगे दूसरा, इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। इसको हल्का सा हम सौते होने देंगे। बारीक चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे, हमें बिल्कुल बारीक चॉप करना है। इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी डालेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे रेड चिली, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर हल्की सी मिठास के लिए हम इसके अंदर टोमेटो केचप ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर का पानी ऐड करेंगे। लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस। लॉलीपॉप को डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। लास्ट के अंदर हम इसके अंदर सफेद तिल डालेंगे। अब हम इसे सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए गाइस, रेडी है हमारे चिकन लॉलीपॉप। आप जल्दी से अपने घर पे ट्राई कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। फॉलो फॉर मोर वीडियोज़।